एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो, सुख दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता? लेकिन सेठ ने उस पर्चे को तत्काल खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वा कर जेल में डलवा दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था। वह क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख की बात क्या है, जब सुख के दिन सदा ना रहें तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवा कर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। बुद्ध के मुख से यह कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।